रायपुर के खमतराई इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वारदात जिसमें महज 19 साल के एक लड़के ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मगर आप हैरान तब रह जाएंगे जब आप वारदात के कारणों से रूबरू होंगे। दरअसल भनपुरी में एक देसी शराब की दुकान में विशाल रूप नाम का एक युवक अपने चचेरे भाई नरेश के साथ शराब लेने ठेके पर पहुंचता है। दुकान पर लोगों की काफी गर्दी थी, जिस वजह से विशाल और उसका भाई एक साथ लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान रामेश्वर नगर का एक रविंद्र नाम का लड़का जल्दबाजी में वहां पहुंचता है। फुर्ती से लोथपोथ यह शख्स लोगों को धक्का देते हुए आगे जाने की कोशिश करने लगता है। बस ये बात विशाल को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने रविंद्र को ऐसा करने से रोका। गुरूर में डूबा रविंद्र इस बात पर गुस्से से तिलमिला उठा। बात इस कदर बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते रविंद्र अपने गुस्से का आपा खो देता है और पास में रखे चाकू को निकालता है और धारदार हथियार से विशाल पर वार करता है। एक बार नहीं बल्कि कई बार, जिसके बाद विशाल की मौके पर ही मौत हो जाती है। वारदात के बाद अपने भाई की हालत देख नरेश घबरा जाता है और भाई को अस्पताल पहुंचाने के बाद इसकी खबर पुलिस को देता है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद खमतराई थाने की पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुट जाती है। पता चलता है कि पुलिस के डर से रविंद्र अपने कुछ रिश्तेदारों के घर में छुपा हुआ था, जहां छापा मारकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।